है हमारी फैमिली में जो इधर उधर मुंह मारता फिरता है, जिसको दादर दल्ला भी बोलते हैं और बेगैरत भी बोलते हैं, बेइज्जत भी बोलते हैं, कुत्ता भी बोलते हैं, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं एकदम ठीक हूँ, उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी एकदम ठीक होंगे। तो भाई नजो ने ये वीडियो बनाई थी, मुझे नहीं पता चला, मुझे बाद में लाइव से पता चला कि इसने इस तरह की वीडियो बनाई है। फिर मैंने जाके वीडियो देखी तो फिर मुझे, तो आप लोगों को पता ही है कि इसने जो इतनी सारी बकवास की है ना, इसका जवाब देने का मेरा इतना मन हुआ। तो फिर मैंने सोची क्यों ना इसको मुँह तोड़ जवाब दिया जाए इस मनहूस औरत को। वैसे ये डीडी के लिए जितना भी भौंकी है ना, डिजर्व करता है वो, क्योंकि लोग सब जने ना एक जैसे है, एक ही गटर के कीड़े हैं, लेकिन एक दूसरे पे उंगलियां इसे उतार उठाते हैं, जैसे खुद बड़े पाक साफ और खुद बड़े अच्छे हैं और सामने वाले को बुरा बताते हैं। तो पहले अपने गिरबान में नहीं झांकते हैं और दूसरों को बोलने के लिए खड़े हो जाते हैं। अच्छा ये डीडी को बोल रही है कि तू अपनी माँ का नहीं है, बहन का नहीं है, बच्चों का नहीं है, किसी का नहीं है, और तेरे से लाख गुना अच्छा मेरा भाई है जिसने दूसरी शादी किया, उसके अंदर दम था, उसके पास में पैसे थे और वो चाहता था, इसके लिए उसने कर लिया। तू होता कौन है हमारे बीच में बोलने वाला, तेरे लिए हम लोगों ने बोले क्या? देख लो कि ये लोग शादियों को कैसे बढ़ावा देते हैं। फिर इनकी बीवियाँ आती है सिंपत्ति लेने के लिए और पब्लिक जो यहाँ पे बेवकूफ़ बैठी हुई है ना, वो उनको सिंपत्तियाँ देती है। ठीक है, अच्छा वो तो चलो नहीं है, वो तो हमें पता है कि वो अपनी बीवी बच्चों का नहीं है, अपनी माँ बहन का नहीं है, किसी का नहीं है, लेकिन तू कौन सी किसी की है? हाँ बेगैरत औरत, तुझे बड़ा याद था ना सिंपत्ति देना पिटारा को। जब बात पिटारा की आती है ना तो ये लोग पिटारा को देते हैं सिंपत्ति, लेकिन जब बात फातिमा की आती है इंसाफ बीवी की, तो उसके लिए ये पोल पट्टियाँ खोलती है और बताती है कि फातिमा ने खुद ने पैकिंग वगैरह करके दी, फातिमा ने खुद ने शादी करवा के दी डीडी डल्ले की, जो कि मैं शुरू से ही बोल रही हूँ कि फातिमा खुद करवाई है। और इसने ये भी बोली कि सिर्फ और सिर्फ कंटेंट के लिए हुआ है, और पिटारा ने जो जो ड्रामे कंटेंट के लिए की तब तेरा मुंह नहीं खुला बेशरम झाड़ू वाली चुड़ैल? इसके लिए तो तूने आके बराबर कलमा पढ़ पढ़ के बोली कि हम लोगों को पता था, हम लोगों को सब कुछ पता था, और फातिमा ने खुद ने कराई है और ये कॉन्टेंट के लिए शादी हुई है, तो फिर तूने वो टाइम पर मुँह क्यों नहीं खोली? अच्छा सबसे पहली बात जो तूने सलमान के लिए बोली है कि उसकी जेब भारी है, वो शादी अफोर्ड कर सकता है, तो उसने किया है, तो फिर तुम लोग आके गरीबी का रोना रो रो के लोगों को बेवकूफ़ बना बना के लाखों रुपए तुम लोगों ने ऐंठे, और उसके बाद में तुम लोगों ने बोले कि हम हमारे बच्चों के लिए कुछ करना चाहते हैं, और क्या किए तुम लोगों ने? दूसरी शादियाँ है ना, मतलब सलमान कितना बड़ा फ्रॉड निकला ये देखो। रोना धोना करता था कि मेरे घर में खाने को नहीं है, दवा लाने पैसे नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, और मेरा भाई मुझे ज़मीन बेचने नहीं दे रहा, ये करने नहीं दे रहा, वो करने नहीं दे रहा, और फिर उसने क्या किया? ये बोल रही है कि इसकी जेब भारी थी इसके लिए उसने शादी की। देख लो ये जो गरीबी का रोना, इन लोग रोते हैं ना फेक रोते हैं, इनकी जेबें भारी है और तुम लोगों को लूट लूट के अपनी जेबों को और भारी करते हैं, और फिर शादियाँ करके फिर रुबाब से आके बोलते हैं कि हमारी जेब भारी है, हम लोग अफोर्ड कर सकते थे, हमने शादी की है। देख लो कितना चूना लगाते हैं ये लोग। और दूसरी बात, जब तू इसकी पोल पट्टियाँ खोल रही है फातिमा की, और तू जो कलमा पढ़ रही है, कसम खा रही है कि हम सबको पूरे ख़ानदान को पता था कि इसकी जुमेरात को निकाह है, इसकी शादी है, ये दूसरी शादी कर रहा है, सभी को पता था, तो एक बात बता, फिर पिटारा ने आवाज़ क्यों नहीं उठाई फातिमा के लिए? हाँ क्यों आवाज़ नहीं उठाई? उसने क्यों ऐसे आदमी का सच छुपाई जो कि बड़ा सिंपत्ति लेती है कि मेरे साथ में मेरे हस्बैंड ने बड़ा बुरा कर दिया शादी करके दूसरी? तो उसको चाहिए था ना कि वो फातिमा के टाइम पे आवाज़ उठाती, डीडी को रोकती, एक लफ्ज़ तो बताती, अपनी ऑडियंस को बताती तो सही कि डीडी शादी कर रहा है। अगर के फातिमा खुद करवा रही है तो उसको आके ये बताना चाहिए था कि फातिमा खुद करवा रही है, इसके लिए उनको ट्रोल मत करना। और अगर वो खुद नहीं करवा रही थी जैसे कि उसने कॉन्टेंट के लिए करवाई, तो आके फातिमा को थोड़ी तो सिंपत्ति देती। लेकिन नहीं, सब जने एक दूसरे के ऊपर पर्दे डालते हैं, कंटेंट सब जने मिल के बनाते हैं, और ये सब गंद जो इनके ख़ानदानी परंपरा है, शादियां करना, नाजायज़ बच्चे पैदा करना, नाजायज़ रिश्ते रखना, ये सारा कुछ एक दूसरे का देखते रहते हैं और मुंह बंद करके बैठे रहते हैं, और जब बात इनके ऊपर आती है ना तो फिर ये लोग पोल पट्टियाँ खोलते हैं। और तू डीडी को क्या बोल रही है सिर्फ कि तू बहुत बड़ा दुश्मन है, तूने पिटारा के साथ में बहुत किया है, तूने तेरी वॉइसें लीक हुई है इसमें, तू उसको गालियाँ देता है, तू ये करता है वो करता है, तू कौन सी अच्छी है? तू खुद पिटारा के लिए कितने खड्डे खोदती है, तू उसके पीठ पीछे क्या क्या बोलती है, तेरी भी तो वॉइसें निकली है, तेरी भी तो सच्चाइयाँ सामने आई है, किस तरह से तू पीछे पीछे से उसकी सारी खबरें ये दूध वाले जैसे लोगों के तलक के पहुँचाती थी, और फिर बाद में आके यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ डीडी को बोलना कि तू उसका दुश्मन है। तो बीबी तू भी कोई उसकी सगी नहीं है, तू भी उसकी दुश्मन है। अभी का रिसेंटली का बताना,
रिसेंटली का बता कि उसकी बेटी तेरे को क्या क्या खबरें दे रही है उसके घर में बैठ के। अरे दल्ली बेशरम, अपने गिरेबान में झांक, फिर आके है ना उसको शर्म दिलाना। वो तो है ही घटिया आदमी, बेशरम, गिरा हुआ, नालायक। लेकिन झाड़ू वाली चुड़ैल तू कौन सी अच्छी है हाँ? तो पहले अपने गिरेबान में झांक, और जो बहन की साइड लेने के लिए तू आई कि मेरी बहन का थंबनेल क्यों लगाया? मुझे इसलिए गुस्सा आया है, मैं मेरे भाई का साइड नहीं ले रही हूँ। साइड लेते जा रही है वो सलमान का, और बोल रही है मैं इसका साइड नहीं ले रही हूँ। तूने मेरे बहन का थंबनेल लगाया ना, इसके लिए मेरे को गुस्सा आया। उसने बड़ी कोशिश की थी रिश्ता बचाने की। ओ भाई, वो गिरा हुआ घटिया है ना, तो तेरी बहन भी गिरी हुई और घटिया औरत ही है। हमने वॉइस सुने हैं जहाँ पे उसके यार का जिक्र हो रहा है। तो ना ही तो डीडी कम था और ना ही ये ज़्यादा, दोनों इक्वल थे। ठीक है, तो यहाँ पे आके ना सिंपत्ति लेने की ज़रूरत नहीं है, बेशरम औरत। अच्छा, ये उसकी दोनों बीवियों को ये दिलाने की, गैरत दिलाने की कोशिश कर रही है कि तुम्हारा हस्बैंड इतना गंदा थंबनेल लगाता है, और ये बेगैरत इतना गंदे गंदे थंबनेल लगाता है अपनी बीवी के लिए, और वो बेगैरते हैं कि फिर भी उसके साथ रह रही है। तो तू पहले अपने गिरबान में झांक, पिटारा के गिरबान में झांक कि वो कितनी बेगैरत है के इतना गंदा अगर ने किया था, घोंचू ने उसके साथ में इतना बड़ा धोखा किया था, तो वो उसके साथ में क्यों रह रही है? और तेरा हस्बैंड जो तू बार बार ये जो डिवोर्स वाली जो तू बात कर रही है कि डिवोर्स को लेके एक्स वाइफ बोल रहा है मेरी बहन को, तो डिवोर्स तो तेरा भी हुआ है, तेरी बीवियों का भी हुआ है, तेरी माँ का भी हुआ है, नैना का भी हुआ है, तो तेरा खुद का भी तो हुआ है ना। बेशरम औरत, तेरा हस्बैंड तो तुझे 500 बार डिवोर्स दिया है, फिर भी तू उसके साथ में रहती है। खुद को नहीं इंक्लूड की, खुद को भी गिन लेती, और अपनी सासू माँ को भी तूने नहीं इंक्लूड की, उसको भी कर लेती। बिल्लो का भी तो दो दो तीन तीन डिवोर्स हुआ है ना, उसको भी तो इंक्लूड करती तू, उसको नहीं की। हाँ, सिर्फ़ और सिर्फ तेरे को डीडी के ही घर वाले नज़र आए कि उनका डिवोर्स हुआ है। हाँ, तेरी सास को गिनती, खुद को गिनती, तो अपने आप को, अपने हस्बैंड को गिनती। जाहिर सी बात है, तेरा डिवोर्स हुआ था तो तेरे हस्बैंड का भी हुआ था। तो सिर्फ और सिर्फ ये डिवोर्स वाली गैरत उन लोगों को याद दिलाने की बजाय अपने पूरे खानदान को याद दिलाती। लेकिन नहीं, दलाली भी तो करनी है ना, पिटारा की चाटेंगी नहीं तो व्यूज़ कैसे आएंगे बेशरम औरत को। तो जैसे तू बोल रही है ना कि वो बेशरम फिर भी रह रही है, तो अपने गिरबान में जा कि तू भी तो बेशरम है ना, फिर भी रह रही है वही आदमी के साथ में जिसने 500 बार तुझे डिवोर्स दिया है ना। और तुम लोगों के खानदान में सभी के सभी बेशरम है जो ऐसे आदमियों के साथ रह रहे, और वो आदमी भी बेशरम है जो तुम जैसी औरतों के साथ में रह रहे, जो खेतों में जाके मुँह काला करवा करवा के इसके उसके बच्चे पैदा करके, नाजायज़ रिश्ते रख के, नाजायज़ बच्चे पैदा करके आ गई है मुँह काला करके, और फिर भी हस्बैंड है के छोड़ते ही नहीं है, उसी के साथ में रहते। तो ऐसे करके किसी और के ऊपर कीचड़ उछाल के कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि तू भी उतनी ही गिरी हुई है जितनी वो, बल्कि पूरा के पूरा खानदान ही गिरा हुआ है। तो एक दूसरे के ऊपर उंगलियां उठा के, एक दूसरे के ऊपर वीडियो बना के, कंटेंट देना एक दूसरे को, व्यूज़ छापना, ये सब ड्रामे है ना, बंद कर दो तुम लोग, समझ आई? अच्छा, अब इसको याद आ रहा है कि इसने बहुत बढ़ चढ़ कर बेगैरती की है, इसने कभी किसी का लिहाज नहीं किया, इसने फैमिली का लिहाज नहीं किया, और तू कुत्ता है, ये है वो है जो तू बोल रही है। क्यों अब तेरी भाई का पोल पट्टी उसने खोल दिया, जो कि तुम लोगों को हो सकता है इस चीज़ का कंटेंट बनाना होगा, है ना, कंटेंट बनाना होगा, लेकिन डीडी ने तुम लोगों का कंटेंट खा गया, तुम्हारी पोल पट्टी खोल के। तो तुम्हें गुस्सा आ रहा है, इसके लिए तुम उसको गालियाँ दे रही हो, कुत्ता बोल रही हो, और पता नहीं क्या क्या। तो एक बात बता, ये लिहाज वाली बात वो टाइम पे तुमको तकलीफ़ नहीं हुई थी जिस तरह से अभी तुमने अपनी बहन के लिए वीडियो बनाई? यही बेगैरत डीडी दल्ला कुत्ता था जो सलमा के ऊपर, उसके बच्चों के ऊपर, उसके मासूम बच्चा जो दुनिया से चला गया है उसके ऊपर, असगर के ऊपर इतना भौंक रहा था पिटारा की सपोर्ट में, तब तू कहाँ चली गई थी? हाँ, तेरी गैरत कहाँ चली गई थी? कहाँ तू कब्र में जाके सो गई थी या खेतों में मुँह मरवा रही थी? इतना ही अगर तुझे फिक्र थी कि इसका मुंह गंदा है, तो वो टाइम पे तेरा मुंह नहीं खुला, बल्कि तू खुद भी भौंकती थी ना, तू भी तो कुतिया बन गई थी पूरी के पूरी। और इस वीडियो में भी तूने बोली है कि मैं तो सलमा की साइड भी नहीं हूँ, मैं तो किसी की साइड नहीं हूँ, मैं तो पिटारा को सपोर्ट करती हूँ। लग दी लाना थे तेरे ऊपर। हाँ, एक बहन को सपोर्ट कर रही है दूसरी बहन की तरफ, दूसरे भाई की तरफ देखो तो ऐसा दिखा रही है कि मैं तो उसको सपोर्ट नहीं करती। तू पहले अपने गिरबान में झांक के तू कितनी बड़ी बिकाऊ और गिरी हुई औरत है। अच्छा, आप लोग एक बात और सोचो कि ये बोल रही है जो कि हमारे पूरी फैमिली को पता था कि ये शादी कर रहा है और फातिमा खुद करवा रही है, और उन लोग मिल के जब ऑडियंस को बेवकूफ़ बना रहे थे तो इन लोगों ने मुंह पे ताले लगा के क्यों रखे थे? इन लोगों ने ऑडियंस को आके सच क्यों नहीं बताए? ऑडियंस को बेवकूफ़ क्यों बनने दिए? मतलब इन लोग भी तो उन लोगों का सपोर्ट ही कर रहे थे ना ऑडियंस को बेवकूफ़ बनाने में। मतलब कि अभी तू कमा ले, फिर मैं कमा लूँगा, मैं वो कमा लेंगा, वो कमा लेंगा, एक दूसरे को इस तरह से मुंह बंद रख के खुद का सपोर्ट करते हैं, और फिर बाद में आके देखो कैसे शरीफ ज़्यादा बनते हैं। कलमा खा
पढ़ के ये बोल रही है कि हमें पता था, तो फिर ऑडियंस को तो बेवकूफ़ सिर्फ उन लोग ने नहीं बनाए, पिटारा ने भी बनाई, इन लोगों ने भी बनाई है ना। और ये थंबनेल की जो बात की है, तो ये बीच में कहते कहते थंबनेल लगा रही थी अपने हस्बैंड के लिए, कितने गंदे गंदे थंबनेल लगा रही थी कि वो चला गया है, मैं उसको छोड़ दूंगी, मैं अलग हो जाऊंगी, मैं ये कर लूंगी, मैं वो कर लूंगी। तब गैरत नहीं आई तेरे को? यार कितने गिरे हुए है ना, खुद भी वैसे ही है लेकिन दूसरों को बराबर गैरत की याद दिलाते। बाकी देखो मैं आप लोगों को एक एडवाइस दूं कि इनके खानदान में से अगर अब कोई भी आता है ना दूसरी शादी का लेके, तो आप लोग बेवकूफ़ मत बनो, क्योंकि इनके खानदान में ना दूसरी तीसरी शादी करना ना नॉर्मल बातें होती है, मतलब ये इनके लिए कोई मैटर नहीं करता है, ठीक है। बल्कि पिटारा को मारो जूते, जब इसके खानदान में ये सब नॉर्मल बातें थी, नॉर्मल था, तो फिर इतने इतनी सिंपत्ति क्यों ली आज तलक की, ये सिंपत्ति क्यों लेती है कौसर के नाम पे? हाँ जिस तरह से ये झाड़ू वाली चुड़ैल बात कर रही है कि उसकी वाइफ नहीं आई है रोते हुए वाइटी पे, और वो वाइटी पे नहीं है और उसने किया है, तो कौन सी बड़ी बात है, तो उसका जेब भारी है, तो ये है, तो वो है, मतलब इनके खानदान में नॉर्मल है ना, तो फिर ये लोग क्यों सिंपत्ति लेते हैं दूसरी शादी के नाम की? क्योंकि इनके खानदान की ये परंपरा है, ये रिवाज है, इनके खानदान का नॉर्मल है। तो प्लीज़ मत दिया करो सिंपत्ति, कोई एक शादी करे या 10 करे, किसी को सिंपत्ति देने की ज़रूरत नहीं है। और ये झाड़ू वाली चुड़ैल अपने भाई की शादी को डिफेंड कर रही है और उसकी शादी को बार बार बोल रही है कि कंटेंट था कंटेंट था, तो पिटारा के लिए भी मुंह खोलना, बताना कि वो भी सारा कंटेंट था, चाहे उसकी शादी हो, चाहे उसका मरा हुआ बच्चा हो कौसर का, चाहे उसका ये वाला बच्चा हो, चाहे उसका जीजा वाला जो कांड उसने करके आई थी, जानबूझ के अपनी बहन का खराब करने की कोशिश की थी, वो सारा भी बताना कि पिटारा जानबूझ के अपने भाई जीजा के साथ में जाके सो गई थी ताकि कंटेंट बने, उसकी बहन उसको कुछ बोले, वाईटी पे बात आए और घटिया औरत व्यूज ले, डॉलर कमाए, पिटारा की तरफ से वो कंटेंट था, ये भी तो बताती ना। अरे कितना घिरेंगी पिटारा की दल्ली। बाकी जब डीडी की शादी हुई थी और वो टाइम पे हम सच बता रहे थे, हमने बताए थे कि डीडी की शादी में चुबीना भी थी, लोटा मामू का नाम इसने नहीं ली लेकिन लोटा मामू भी था। अब लोटा मामू का नाम क्यों नहीं ली? क्योंकि लोटा मामू अभी पिटारा के घर पे है ना, तो उसका नाम नहीं ली, मुच्छड़ का नाम ले ली इसने, क्योंकि मुच्छड़ अभी पिटारा का गुलाम बन के इसके घर में काम नहीं कर रहा ना, उसके टॉयलेट साफ नहीं कर रहा, इसके लिए उसका नाम ले ली। तो वो टाइम पे हमने बताए थे ना, याद है आप लोगों को मैंने बताई थी कि चुबीना भी थी, लोटा मामू भी उधर पे था, मुच्छड़ भी उधर पे था। अब देख लो वो सारी बातें सच्चाई साबित हो गई, ये खुद अपने मुंह से आके बोल रही है ना कि हाँ लोग वहाँ पे थे। और लोटा मामू का नाम क्यों नहीं ली बेगैरत? उसका भी लेती, क्योंकि पिटारा के यहाँ पे कपड़े सी रहा है, इसके लिए उसका नाम नहीं ली, घटिया औरत। ये वाला राज देखो इसने नहीं खोली कि लोटा उधर पे था, बाकी वो दोनों का खोल दी। और भी कोई था जो इनकी शादी से खुश था, जो दोनों को बधाइयाँ दे रहा था, जो बीच में पड़ा हुआ था, याद है वो गांव वाली वीडियो जिसमें पिटारा बोल रही थी कि मेरी तरफ से ईद मुबारक बोल देना, किसको बोलने लगा रही थी? वो छमिया को। पिटारा को पता था कि वो छमिया से शादी कर रहा है और कोई प्रॉब्लम नहीं थी इसकी, इंसाफ बीबी फातिमा को भी, ठीक है, फिर भी आके इसका कंट्रोवर्सी किए, कंटेंट बनाए और लोगों को हरेस किए, लोगों को टेंशन दिए, लोगों को परेशान किए, और देखो खुद लोगों ने नोट छापे, इतने गिरा हुआ खानदान है ये। और झाड़ू वाली चुड़ैल एक बात बताई, अली के नाम पे जो तुम लोग इतना सिंपत्ति लेते हैं, तू उसको गैरत दिला रही है कि अली का कभी तुझे याद आई है? अली के नाम पे कभी तूने बोला है कि मैं इसको लेके जाऊं या मैं इसको पैसे दूं या मैं इसके लिए ये करूं वो करूं? तो तू पहले तेरा बता कि तुझे कभी तेरे बेटे की परवाह होती है? तुझे याद आई? याद है आप लोगों को कि जब शुरू शुरू में पिटारा जब फेमस हुई थी ना, कई महीनों के बाद में डीडी ने ही ये पोल खोली थी कि इसका बेटा है ना वहाँ पे गैरेज में कहीं पे काम करता है और वहीं पे रहता है, और तकरीबन वो बच्चा वहाँ पे 6-8 महीने से काम कर रहा था और इसकी माँ को कोई परवाह नहीं थी, ठीक है। हालांकि ये जो पिटारा जैसी फुप्पी है ना वो वहीं पे थी लेकिन वो मुंह नहीं लगाती थी, तो इसको कितनी फिक्र थी अपने बच्चे की। बीच में इसका बेटा भाग गया था, याद है डीडी ने ही अपने वीडियो में बिठा के पूछा था, तब इसको कितनी फिक्र हुई थी अपने बेटे की। तो तू पहले अपना तो बता दे झाड़ू वाली चुड़ैल, बाद में तू डीडी से पूछना, वो तो है ही बेगैरत। और यही सवाल तेरी बहन से भी हो सकता है ना, कि वो इतना साल तलक के अली के बिना कैसे रह ली, जबकि माँ है, माँ से ज्यादा बाप प्यार नहीं करता है, तो तू और तेरी बहन कैसे रह ली है अपनी औलादों के बिना? और तू तो अपने बेटे के साथ में जानवरों वाला सलूक करती है, सिर्फ और सिर्फ तुझे पैसे से मतलब रहता है, तू बोलती है उसको कि सिर्फ और सिर्फ पैसा कमा के ला के दे, कोई भी काम कर, कुछ भी कर, एवड़े बेवड़े के साथ में तू अपने बच्चे को छोड़ देती है जो कि वो भी नशेड़ी बन गया है, और तू आके यहाँ पे इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रही है। अपनी बहन से जरा पूछ के बताना कि अभी तो चलो डीडी ने अपनी
स्वार्थ के लिए, अपनी जरूरत के लिए अली को छोड़ दिया, वरना तो वो अगर अभी भी नहीं छोड़ता तो वो अभी भी बिना अली के रह लेती। तो तेरी बहन कैसे रह रही थी, जरा इस चीज का भी ना जवाब जरूर देना। अच्छा एक बात के ऊपर और तवज्जो दी जाए, तो इसने ये बोली कि डीडी आके 6-6 महीने हमारे घर पे पड़ा रहता था, उल्टा मैं इनको पैसे देती थी, मैं ये करती थी, मैं वो करती थी, और अगर आप लोग इसकी मुखलिसी की कहानी सुनेंगे तो ये बोलती है खाने को नहीं रहता था, मेरा हस्बैंड खर्चा नहीं देता था, हम लोग भूखे मरते थे, मेरे बच्चे भूखे मरते थे। तो जब अगर तू इतनी गरीबी में थी, जैसे पिटारा झूठ बोलती है वैसे, जब तू झूठ बोल बोल के अपनी गरीबी का रोना रोती है, तो फिर तू उनको कैसे 6-6 महीना बिठा के खिलाती थी, उनको कैसे तू उधारी सुधारी देती थी। जैसे कि तूने 50 बार बता चुकी है कि उल्टा तू डीडी को उधारी देती थी, तूने नैना का इलाज कराई, नैना को इतने महीने संभाली, इतना साल संभाली, तेरे घर में बैठ बैठ के खा खा के गए। तो तू इतनी गरीब थी तो उन लोग कैसे तेरे घर में बैठ बैठ के खा खा के गए, मतलब तू यहाँ पे उनके साथ साथ खुद के भी कपड़े उतार रही है और दुनिया को सच्चाई बता रही है कि तू एक नंबर की झूठी और फ्रॉड है, तुम लोग कोई गरीब वरीब नहीं थे, अच्छे खासे तुम लोग थे पैसे वाले, और तू और पिटारा और जो तुम लोगों का घर है ना, जैसे यासीन फैमिली अच्छी खासी रिच थी, अच्छे खासे पैसे वाले थे, लेकिन तुम लोगों ने गरीबी का रोना रो रो के यहाँ पे ऑडियंस को बेवकूफ़ बनाए। बाकी जिस तरह से ये आज बता रही थी अपनी बहन की, जब बात आई तो बोल रही है घटिया मर्द औरतों को तलाक देते हैं, तो वो टाइम पे तो तू एक टांग पे खड़ी हुई थी और असगर को बोल रही थी कि सलमा को तलाक दे दे, सलमा को तलाक दे दे, वो टाइम पे तुझे याद नहीं आया था कि तू भी तो किसी के तलाक कराने पे तुली हुई है। कितनी घटिया औरत है, कैसे बातों को घुमा के पलट के बातें करती है ना, लख दी लानत है तेरे ऊपर। तूने तो तीसरी किया, मेरे भाई ने दूसरी कर लिया तो क्या हुआ, उसने वाईटी पर आकर किसी से भीख नहीं मांगी, ना उसकी वाइफ आई है बच्चे लेकर के, मेरे पास खर्च नहीं है घर का, सलमान ने मुझे खर्च नहीं दिया और शादी कर लिया निकाह के, तो अल्हम्दुलिल्लाह उसने की भी होगी तो अपने बच्चों को खुश रखा हुआ होगा तभी की होगी। सुन लिया बहनों के उसने तीसरी किया इसने दूसरी किया तो कौन सी बड़ी बात है, और सलमान कभी वाईटी पे भीख मांगने नहीं आया और वो अपनी बेबी बच्चों को पूरा कर रहा है, तो उसने शादी किया तो कौन सी बड़ी बात है, यही सारे डायलॉग गुंच के टाइम पे क्यों नहीं याद आए इन लोगों को, क्यों पिटारा को इतनी सिंपत्ति दिलाई गई। तो देख लो आप लोग कि कितने दोगले और कितने बड़े फ्रॉड लोग हैं ये, और सलमान ने भीख नहीं मांगा, मुंह से स्टिकरे मांगता था और इसको उसको अम्मा बहन बना बना के उनसे पीछे से पैसे लेता था, फंडे लेता था, और तू बोल रही है कि उसने भीख नहीं मांगा, और उसके बच्चे लोगों को उसने खुश रखा है, उसके बीवी बच्चों को, तो वो घर दिखाना और रोना कि मेरे बीवी बच्चे कहाँ रहेंगे, मेरे बाप ने निकाल दिया, घर नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, मैं मेरे बीवी बच्चों का पूरा नहीं कर पा रहा हूँ, वो सब क्या था फिर, देख लिया आप लोगों ने यही सारी सच्चाई। जब मैं बताती थी कि ये लोग कोई गरीब नहीं है, सलमान के पास में भी अच्छी खासी प्रॉपर्टी, अच्छे खासे उसको रेंट आते हैं घर के, जानबूझ के वो अपने घर में नहीं रहता है क्योंकि उसको गरीबी दिखाना है अपनी, तो लोग मेरे पे यकीन नहीं करते थे, लोग बोलते थे नहीं सलमान का तो हम सपोर्ट करेंगे, हम साथ देंगे, देख लो इसकी सच्चाई सलमान की भी, कौन खोल रहा है, खुद उसकी बहन खोल रही है, और पिटारा की भी सच्चाई ये खोल रही है, देख लो कि अगर उसने दूसरी शादी किया तो कौन सी बड़ी बात है, तूने तो तीसरी किया है, तो फिर गोची ने भी दूसरी किया था, कौन सी बड़ी बात थी, मतलब यहाँ पे किस तरह से लोगों को बेवकूफ़ बनाया जाता है देख लो। और ये बेशरम इससे बोल रही है कि तेरी बीवी आके वाईटी पे भीख मांगती थी, बोलती थी खर्चा नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, सेम यही सारी हरकतें वो पिटारा से सीख के तो की। हाँ पिटारा भी तो यही करती थी कि हम लोग उधार ला के खा रहे हैं, घोंचू खर्चा नहीं देता है, घोंचू तो कौसर को देखता है, इसको प्यार करता है, मेरे बच्चे तो भूखे मर रहे हैं, केक तक के नहीं है बड्डे करने, तो वहीं से वो सीख सीख के तो उसने भी कंटेंट बनाई। तो पिटारा के टाइम पे तेरा मुंह नहीं खुला, और तू उसको याद दिला रही है कि तेरी माँ ने क्यों डिवोर्स ली थी, तेरी माँ क्यों तुम लोग को छोड़ के चली गई थी, वो कहानी भी बता रहे, लक दी लाना था, ये बता कि तेरी बहन क्यों डीडी को छोड़ के चली गई थी, तेरी बहन का किससे क्या अफेयर था, तू क्यों सऊदी भागी थी, किसके लिए भागी थी, वो भी तो बता। अरे भाई जब तुम लोगों के खुद के गिरबान गंदे है ना तो दूसरों को बोल के कोई फायदा नहीं है, सामने वाला तो खई है घटिया, तुम लोग कौन से अच्छे हो। और भाई चुबीना हो या इसकी बहन हो, सब जने लौ लपाटे में ना अपने अपने हस्बैंड और बच्चों को छोड़ छोड़ के भागे थे और जाके शादियां कर लिए थे, किसी ने जाके इसी तरह से रहना शुरू कर दिया था, ये सारा कुछ था। और ये जो बहन की ममता में अभी आके जवाब देने के ड्रामे करके कंटेंट बना रही है व्यूज़ लेने के लिए, तो इसने खुद ने अपनी बहन के साथ में कुछ कम नहीं की थी, उसको भूखा मारती थी जिस तरह से अपनी सास के साथ में जुलूम करती थी ना, वैसे ही आयशा के साथ भी करती थी, आयशा को भूखा मारती थी, उसको बंद करके रखती थी, उसको बातें सुनाती थी कि तू निभा नहीं पाएंगी, तू ऐसी है, तू ऐसी है, अब आई है, इसको बड़ी ममता छुटी है, लख दी लानत है तेरे ऊपर मनोज कहीं की। अच्छा एक और बात कि ये उसको गैरत दिला रही है कि इसका बेटा अली जो है वो अच्छा खासा बड़ा था, जब इसने फातिमा से शादी किया था तब इसको शर्म नहीं आई,
तो जब जो पिटारा जो नाजायज रिश्ता रखी थी एजाज के साथ में, उसके सामने बच्चों के सामने ही जाके कमरे में मुंह काला करती थी, और आज तलक के भी वो बच्चों को छोड़ छोड़ के चली जाती है इधर उधर मुंह काला करने, तो तब तुझे गैरत दिलाने की याद नहीं आती है कि मैं पिटारा को गैरत दिलाऊं कि तेरे बच्चे बड़े हो गए और तू कैसे एजाज के साथ में रंगरीलियाँ मना रही थी, तेरे बच्चे देखते थे, तब तुझे गैरत दिलाने का याद नहीं आया? आज तलक के भी उसके बच्चे जवान हो गए, आज भी वो वही काम कर रही है, तो तुझे याद नहीं आया कि मैं उसको गैरत दिलाऊँ? सच में ये ना बहुत घटिया औरत है। चलिए बातें तो बहुत सारी है, बस वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है, इसके लिए यहीं पे एंड करती हूँ। वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना, वीडियो पसंद आएंगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।